हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइव में। आइए हम सब चलते हैं बिहार बोर्ड के NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। आप सब वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 11 का रोमन अंक 1 कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको जवाब देना है कथन सत्य है या असत्य है और क्यों सत्य है कारण दीजिए, क्यों असत्य है कारण दीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 11 का हम लोग रोमानक 1 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहां लिखेंगे आप लोग असत्य है। आप लिख सकते हैं कारण में असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि के साथ, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ टैन ए का मान बढ़ता है। आप लिख सकते हैं कारण में। अतः आपका जो पहला है 11 का रोमन अंक 1 गलत है। दूसरे को सॉल्व करते हैं। कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। आइए चेक करते हैं। सेक ए बराबर दे दिया है 12/5। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान यहाँ आपका हो जाएगा 12, आधार का मान हो जाएगा आपका 5। एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा और चेक कीजिए। यहाँ से ए बी सी मान सकते हैं। कर्ण का मान 12 है, आधार का मान 5। समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वह होता है कर्ण, तो आधार से कर्ण बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 11 का रोमांक 2 है आपका कथन क्या है, सत्य है। नंबर 3 देखिएगा आप लोग। तीसरे में कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप जानते हैं लिखेंगे असत्य, असत्य है, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है कोसाइन के लिए, अर्थात कॉस जो होता है वह कोसाइन के लिए होता है, अतः कॉस ए बराबर नहीं है, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग कोसेंट के लिए। अब आइए चौथे पर। चौथा कहता है 11 का रोमांक 4 कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल है। यहां देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ कॉट दे दिया है, ना ही थीटा दिया है, ना ही इसके साथ ए लगाया है, ना ही इसके साथ कुछ मान जो है दिया है, अंग्रेजी का कुछ नहीं लगाया है, तो हम लिख सकते हैं यहां से चौथा को असत्य है, क्योंकि कॉट ए बराबर तो कॉट ए के बराबर कभी नहीं हो सकता है कॉट, क्योंकि यहाँ पर ए या थीटा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अतः आपका जो चौथा है क्या है, गलत है। पांचवा देखिए। पांचवा कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आइए चेकअप करते हैं इसको। कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3। साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, तो आपका लंब का मान दे दिया है 4, कर्ण का मान दिया है 3। आइए चेक करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ ए
यहाँ बी यहाँ सी मान सकते हैं, और लंब का मान यहाँ 4 दे दिया है, कर्ण का मान 3 दे दिया है। आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है यहाँ पर छोटा दे दिया है, जबकि कर्ण का जो मान है बड़ा रहना चाहिए। अतः आपका जो पांचवा है क्या है, गलत है। चौथा भी आपका गलत था। आइए एक बार और समझिएगा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर पेश करना है आप लोग को। तो सबसे पहले 11 का रोमन वन कहता है टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। जी नहीं, थीटा के अनुसार, थीटा में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे टैन ए का मान जो है बढ़ते जाता है, यानी 1 से अधिक होता है। तो आपका जो पहला है गलत है। दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो यहाँ पर सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान तो दिया है 12, आधार का मान 5। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो भुजा है वह सबसे बड़ा होता है, कर्ण का मान 12 दे दिया है, अतः आपका दूसरा क्या है, सत्य है। तीसरा देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेन, कॉस जो होता है वह कोसाइन के लिए होता है, कोसेन के लिए होता नहीं। तो आपका तीसरा क्या है, गलत है। उसके बाद चौथे यहाँ पर दिया है कॉट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉट लगाया हुआ है, तो अतः आपका इस तरह से गलत हो जाएगा। फोर्थ पांचवा देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 3। समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा होता नहीं है, अतः आपका पांचवा क्या हो जाएगा, गलत। आशा करते हैं कि आप सभी को यह जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ मित्रों का नाम लेना चाहेंगे जो रोजाना हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर करते हैं, जैसे अभय पांडे, निखिल सिंह राजपूत, मनोज यादव, सुशील सेठ, प्रेम कुमार, किशुन जी, दीपक जी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट यूपी से भी हैं जो कि हमारे एडवांस मैथ का लाभ उठाते हैं, जो आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत चल रहा है, और इस प्रश्न का फायदा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट उठाते हैं। उसके साथ साथ कुछ बच्चे बिहार से जो कि जुड़ चुके हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी बच्चे इस तरह से जुड़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।